ما كنت غافل सखी पिया को जो मैं न देखूं सखी पिया को जो मैं न देखूं अरे तो कैसे काटूं ये अंधेरी रतिया सखी पिया को जो मैं न देखूं अरे तो कैसे काटूं सद परे तम पपुरुद किसकी किसे जो जा सुनाए ये पड़ी है आहे जो जा सुनाए अरे हमारे पी को ये हमारी बतिया ये पड़ी है जो जा सुनाए जो जाने वाले मदीने के सुने वो जरा जो जाने वाले मदीने के सुने वो जरा शहे मदीना से इतना जरूर कह देना शहे मदीना से इतना जरूर कह देना के एक जख्मी तीरे निगे नजर जो पड़ा एक जख्मी तीरे निगे नजर जो पड़ा तलब तलब के वो कहता था या रसूल अल्लाह सब बिसरी कब तक ये रहे सब हो घर भी तो मैं सुन सुन कब तक ये रहे काहे मफिकन तुझ दीदा नजर कभी सुन तो लो हमारी बतिया Ya Mustafa, 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 Ya
या मुस्तफा या सैयद ya Mustafa ya Sayyid ya Mustafa हाल दे ताबा है तेरी चाहता ताबा है तेरी चाहता इस उम्मत गुमराह का गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं यार मदलिल आलमी या मुस्तफा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला मुझे नजरे करम की भीख मिले मुझे नजरे करम की भीख मिले मुझे भीख मिले मुझे भीख मिले आहा मुझे भीख मिले मुझे भीख मिले आहा भीख मिले हो आहा भीख मिले आहा भीख मिले हे मुझे भीख मिले मुझे भीख मिले हे मुझे ¡Gracias!
सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आले तेरे हबीब हूँ मैं, शरीक उम्मत आले तेरे हबीब हूँ मैं, मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, वसीला मिलता ना तेरा तो मर गया होता, किस्सा मुख्तसर या साहिब अल-जमाल भाया सैयद अल-बशर से हमा आमा तुई आमा तुई मन आसियम मन आजिजम मन बेकसम आले मला या शाफ़े दूसे जला फुर्सा तुई ए मुश्क बेदम बर्फिशा बेके नसीबे सुहदम ऐ चारगर ईसा नफस ऐ मुमिन से बीमार गम ऐ कासिदे और खुर्रबे तुझको उसी गुल की कसम इन्नल दयाली हसबा योमन इलाहल المحترم تاجدار حرم او نگاہ کرم او تاجدار حرم او نگاہ कहेगा जहां ये
जहां हामी है क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे पेश कर रहा हूं और मेरी ना ही ताकत है जिनका कलाम आपके सामने पढ़ रहा हूं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हाजी गुलाम फरीद मकबूल मशा साबरी साहब, ये अल्लाह के हबीब की मेहरबानी है, मैं उनका शागिर्द हूं। मुझमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसके कर्म की बात है कि मैं उनका नाम लेवा हूं, उनका शागिर्द हूं। और उन जैसा जिंदगी में भी नहीं पढ़ सकता कभी। मेरी कोशिश कर रहा हूं, वो कोशिश आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, लेकिन भैया खामोशी कर रहा हूं। लेकिन सवाल यहां ये पैदा होता है कि कोई अपना क्यों नहीं है। ऐसे मामला कैसे बन गए कि कोई अपना नहीं गम के मारे हैं, जबकि हमदस्त थे दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मान में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम लोग तो वो लोग थे, लेकिन आज दुनिया में हमारा मकाम जो है सब रोशन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं, उसकी वजह क्या है? वजह समाज फरमा लीजिए। और हजरत मौलाना हाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनकी बात पेश कर रहा हूं। कोई अपना नहीं अपना नहीं, कोई अपना नहीं अपना नहीं, कोई अपना नहीं अपना नहीं। छाई हुई आलम पे कयामत की घटा है, मुसलमान है फलक का बुरा है, गर्दिश में मुसलमान है बुरा है। गैरों की शिकायत नहीं अपनी ही खता है, कोई अपना नहीं अपना नहीं, कोई अपना अपना नहीं, जिसमें मुसलमान है फलक का बुरा है।
طاہت اندوری فرماتے ہیں اے خدا پھر وہی عذاب میرا ماننا یہ ہے جناب صدر محترم صاحب نائب صدر صاحب اور صوفی اسلام جتنے تشریف فرمائے عالی مقام عالی جناب بغور سنیے گا کوئی اپنا نہیں میرا ماننا اور ایمان اس بات پر ہے کلام کوئی بھی ہو نیا ہو پرانا ہو بات جگہ پر پہنچنی چاہیے تین جگہ پر لگنا چاہیے میں نئے پرانے کو سمجھتا نہیں ہوں میں اہمیت دیتا ہوں بات جگہ پر ہو راحت اندوری فرما رہے ہیں کہ اے خدا پھر وہی عذاب وہی ستم کس کے ہیں اے خدا پھر وہی عذاب وہی ستم کس کے ہیں ارے تو تو اس بات سے واقف ہے ہم کس کے ہیں لیکن کوئی اپنا نہیں کیوں مولانا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ تیرے مہاجر تیرے انصار کہاں ہے سر سے پینے چلے دستے
یقین ہے اللہ میرے یقین کی لاج رکھے. آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان کا فرمان ہے, ان کی حدیث ہے, آپ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد, تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جس کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتے, وہ دو چیزیں قرآن اور میری اہل بیت ہے. اور حوض کوثر پہ میں جس دن کھڑا رہوں گا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, اس دن یہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے آئیں گے میرے پاس. تو میرا ایمان اس بات پر ہے آپ سبھی اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ, انشاءاللہ وہ کوثر کا جام ہم کو بھی عطا ہوگا. سمجھ پائے میں دستے ساقی قبا سر سے پینے چلے, 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 کشو آؤ مدینے چلے, اس کے حبیب کا صدقہ ہے, اس در کی حاضری کا شرف مجھے حاصل ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے. کہہ دیجیے آمین ثم آمین. آؤ مدینے چلے, لیکن اس کے باوجود بھی میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے, سرکار بلانے تو بڑی بات نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں کیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اللہ
नगरी अल्लाह अल्लाह बनते हैं सबका, और बढ़ते हैं हसनैन के सदके हर सुबह हर शाम, बढ़ते हैं हसनैन के सदके हर सुबह हर शाम, हसनैन के सदके बढ़ते हैं हसनैन के सदके हसनैन के सदके हसनैन के सदके बढ़ते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं हसनैन के सदके हसनैन के सदके हसनैन के सदके नबी की नगरी अल्लाह बनते हैं सबका, नबी की नगरी बनते हैं हसनैन के सदके हर सुबह हर शाम, आओ इस दुनिया में बहुत से बदबख्त लोग ऐसे भी हैं जो वसीले को नहीं मानते और मैं जिस शहर से ताल्लुक रखता हूं उसका नाम है भोपाल। उन बख्तों की तादाद भोपाल में बहुत ज्यादा है जो वसीले को नहीं माने। वो आप डायरेक्ट मांगिए अल्लाह से, लेकिन हल्का बजाइए भाई। जो लोग वसीले को नहीं मानते वो ये कहते हैं डायरेक्ट, और मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता कि आप डायरेक्ट नहीं मांग सकते, आप डायरेक्ट मांग सकते हैं, लेकिन मैं बात को पेश कर रहा हूं जो अल्लाह को पसंद है। यहां एले मजरा तशरीफ फरमा है वो बखूबी जानते हैं इस बात को जो मैं पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, जब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी मखलूक अपने बंदे अपने बंदों तक अपना कोई पैगाम पहुंचाऊं तो अपने बंदों में से एक बरगुजीदा बंदा चुनकर उसको नबूवत पे फाइज करता हूं, और अपने बंदों और अपने बीच में उस नबी को वसीला बनाता हूं, जबकि मैं वसीले का मोहताज नहीं हूं। लेकिन पसंद पर 99 नाम है अल्लाह के कमोपेश, आप रहीम भी कह सकते हैं, करीम भी कह सकते हैं, साबिर भी कह सकते हैं, वारिस भी कह सकते हैं, कहार भी कह सकते हैं, जब्बार भी कह सकते हैं, वो हर बात को मानेगा, लेकिन उसको पसंद ये है कि उसके बंदे अल्लाह का हैं। तो मैं बात को पेश कर रहा हूं जो उसको पसंद है। और एक शायर ने बड़े सीधे अंदाज में बात कही है वसीले की, हुई मकबूल हक आदम की तौबा, लबे आदम पे किसका नाम आया, जहां सजदे ना काम आए वहां पर मोहम्मद का वसीला काम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में समझा दिया वसीले को, और भोपाल के कई लोग मान भी गए अल्लाह के फजल व करम से इस बात पर, ये सबका रसूल है। इतने से शेर पर अल्लाह ने उनका दिमाग को खोल दिया। समा तो भाई वो बात आप तक पहुंचा रहा हूं, जबकि ये बात हरगिज आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग सब वाबस्ता है वसीला है। समा तो भाई साल पूरा हो नहीं सकता महीने के बाद, 10 महीने में, 11 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में हम नहीं कह सकते साल, जब तक के 12 महीने पूरे ना हो। तो पता ये चला कि साल का वसीला महीने, साल पूरा हो नहीं सकता महीने के बगैर। सुनार के पास जाइए, अंगूठी बनवाइए और उसमें नगीने की जगह रखिए खाली, नगीना मत रखवाइए, खाली अंगूठी पहनिए। हर आदमी टोकेगा, बदगेब लगेगी, लोग कहेंगे कि नगीना क्या गिर गया, क्या बात है, क्योंकि बेवकूफी है आप बगैर नगीने के अंगूठी पहनेंगे।
तो पता ये चला अंगूठी का वसीला वो नगीना है, अंगूठी कुछ नहीं है, सोने की है तो कुछ नहीं है, लेकिन नगीना जो है वो वसीला है। साल पूरा हो नहीं सकता महीने के बगैर, एक अंगूठी काम क्या देगी नगीने के बगैर। गैर मुमकिन है कि पहुंचो छप्पे सीने के बगैर, मिल नहीं सकता खुदा हर किस मदीने के बगैर। मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, चलो आओ, आओ मदीने चले आओ। अंगूठी काम क्या देगी नगीने के बगैर, गैर मुमकिन है कि छत पे पहुंचो सीने के बगैर, मिल नहीं सकता खुदा हर किस मदीने के बगैर। मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, जिसे तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में, हो तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने, गौस पर सर झुका कर भी देखा, देखा तेरे गौस पर सर झुका कर भी देखा, वो ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा, वो ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा, वो ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा, ये माना के पीरा ने करी देखा, देखा तो कुछ भी ना दे, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना दे, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना दे।
तुसा की पे कदे पर प्यार आता है निया मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा मदीना न देखा मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है मेरे रसूल का जलवा दिखाई देता है जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है मेरे हुजूर का जलवा दिखाई देता है ये आरजू है वही जाके मेरा दम निकले याद रखो अगर उठ गई एक नजर वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितनी खाली है सब जाम भर जाएंगे याद रखो अगर उठ गई वरना ओला दे मुबी भी बिखर जाएंगे